हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुमी। तो आप सब लोग कैसे हो मुझे बताना ज़रूर। मैं बहुत अच्छी हूं। तो आज का जो वीडियो है वो है एक नेल टॉपिक के ऊपर, जो हम लोग नेल्स कैसे वाइटनिंग करें उस टॉपिक पर है। आज का जो टॉपिक है वो नेचुरल्स वे पर कैसे हम वाइटन करें वही टॉपिक पर है। मैं आप लोगों को तीन रेमिडीज बताऊंगी, तीन वे बताऊंगी जिससे आप हम लोगों के नेल्स वाइट कर सकते हो। तो नेचुरल वे पर, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, वैसे ही मैं आज की वीडियो की यही टॉपिक है, यही मैं बताना चाहती हूँ, आप लोगों को दिखाना भी चाहती हूँ। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कि कमेंट यही कीजिए कि कैसा लगा वीडियो और कैसे कैसे वीडियो आप लोग देखना पसंद करोगे वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि मेरे वीडियो हर कोई देख पाए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और कैसे कैसे वीडियो आप देखना पसंद करोगे तो वो भी मुझे बताना। और मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो करना। मैं इंस्टाग्राम की आईडी अपने स्क्रीन पर और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देती हूँ, तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू योर नेल्स वाइटनिंग। तो मैं कैसे कैसे करती हूँ, मैं थ्री वेज आप लोगों को बताऊंगी। उसमें से ये फर्स्ट है, ये है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये जो हम खाने वाला बेकिंग सोडा लेते हैं वही बेकिंग सोडा है। तो इससे हम बस, ये ड्राई है, इसको लेके हम बस नेल पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा रब कीजिए, क्योंकि ये बहुत ड्राई है, तो इसको बस रब कीजिए। मैं राइट हैंड पर ये करके बता रही हूँ, इसके बाद का जो है वो मैं लेफ्ट हैंड पर करूँगी। तो ये अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है हर जगह पर, हर स्पर पर, हर नेल्स पर। तो इसको अब हम 5 to 10 minutes तक ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, 5 minutes तक आप रखिए या फिर 10 minutes तक रखिए। तो 10 minutes तक रखेंगे तो रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर अब हम वेट करते हैं। आप 5 minutes तक ही मैं रखती हूँ, तो आप चाहे तो आप 5 minutes तक ही रखिए, 10 minutes तक रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 5 minutes तक रखने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश मतलब पानी से वॉश भी आप कर सकते हो, या आप किसी वेट टॉवल से भी आप इसको वॉश कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो मैंने वेट टॉवल से वॉश कर लिया है हैंड को, तो नेल्स को। तो ये 5 मिनट्स रखने के बाद तो ये अच्छे से वाइट हो गया है नेल्स मेरा। तो ये हम लोगों का नेल्स, क्या हम खाना खाते हैं या ऐसे ही वाइट येलो येलो टाइप्स हो जाता है, तो इससे ही मैंने वाइट कर लिया है बस बेकिंग सोडा से ही, ये जो बेकिंग सोडा है उससे। तो नेक्स्ट जो वे है मैं बताऊंगी तो वो है लेमन। लेमन तो आप सब लोग जानते ही हो कि लेमन क्यों, किस लिए, कैसे काम करता है। तो लेमन में क्योंकि एसिड है, तो इसलिए एसिड मतलब जो एसिड हम लोग के लिए ठीक नहीं है वो एसिड नहीं है। तो इससे कि अच्छे से हर कुछ क्लीन हो जाता है अच्छे से। तो ये मैं बोल लेकर मैं लेफ्ट हैंड पर कर रही हूँ, ये हर नेल्स पर कर रही हूँ, अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ताकि अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा ऐसे ऐसे मसाज दे रही हूँ। देने के बाद मैं इसको 10 मिनट्स तक रखूँगी। 10 मिनट्स रखने के बाद मैं इसको ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी, या आप वेट टॉवल से भी वॉश कर सकते हो। जिससे देखिए ये ऐसे ही मसाज करते वक्त ही इतना वाइट हो गया है। तो अभी चलिए 10 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं। हो गया है और मैंने हैंड वॉश भी कर लिया है। तो ये रही मेरी लेफ्ट हैंड की नेल्स, आप लोग देख सकते हो अच्छे से ये वॉश हो गया। ये जो मास्क है ये मेरे हाथ से काजल
लग गया था, तो ये इसलिए काला है थोड़ा। तो देखिए रिजल्ट, लेमन से बहुत ही अच्छे से वाइटनिंग आता है नेल्स पर। तो थर्ड जो है वो है टूथपेस्ट। मैंने यहाँ पर सेंसोडेन का टूथपेस्ट लिया है क्योंकि मैं यही घर पर यूज़ करती हूँ। तो आपके पास जो कोई भी टूथपेस्ट होगा वही आप यूज़ कीजिए। टूथपेस्ट आप कैसे अप्लाई करोगे? टूथपेस्ट लेकर आप नेल्स पर मसाज देना, अच्छे से मसाज करने के बाद इसको वॉश कर लेना, ठीक है? तो मैं लेफ्ट हैंड पर या राइट हैंड पर मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि तो मैंने दोनों चीज़ अप्लाई कर लिया है तो वैसे भी मेरा रिजल्ट आ गया था, तो फिर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने बस इतना सा लिया है, तो इसको अच्छे से हर नेल्स पर, मैं राइट हैंड पर कर रही हूँ, अच्छे से मसाज करना है आपको, अच्छे से मसाज करने के बाद इसको वॉश कर लेंगे हम। मसाज आप 5 मिनट्स तक दे सकते हो, 3 मिनट दे सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मसाज अच्छे से करिएगा फिर इसको वॉश कीजिएगा, तभी रिजल्ट आएगा आपको। तो मैंने यहाँ पर सेंसोडेन का लिया है इसलिए आप लोगों को भी लेना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। तो इसको अच्छे से मसाज कीजिए हर एक फिंगर पर, नेल्स पर, उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे हम ठंडे पानी से। तो मैं यहाँ पर 3 मिनट तक इसको मसाज करूंगी। मैं यहाँ पर राइट हैंड पर कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 वेज जो लेमन है और बेकिंग सोडा है वो मैंने यूज़ कर लिया है, तो फिर भी मैं ये आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मसाज दीजिए, फिर हम वॉश करके आते हैं। तो मैंने वॉश करके आ गई हूँ, तो आप सब लोग देख सकते हो टूथपेस्ट लगाने के बाद इसकी जो रिजल्ट है वो आप सब लोग देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से ये वाइट हो गया है मेरे नेल्स। तो आप चाहो तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये नेचुरल्स वे पर मैंने एक रेमेडी आप लोगों को बताया है कि आप घर बैठे ऐसे ही घर की चीज़ों से ही कर सकते हो। यह है बेकिंग सोडा, ये लेमन एंड ये है टूथपेस्ट। तो यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने ये टूथपेस्ट यूज़ किया है, तो आप लोगों को भी ये करना है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो भी घर में है वही यूज़ कर सकते हो। बट आप अच्छे से मसाज कीजिए नेल्स पर, दिन आप रखिए, दिन वॉश कर लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर कि कैसे लग रहा है मेरा वीडियोस, कैसे आप घर पर ट्राई कर रहे हो कि नहीं मेरी रेमिडीज़। तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट करके, एंड कोई फॉल्ट हो रहा है वो भी मुझे बताना कमेंट करके। तो और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एंड जो बेल बटन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो पोस्ट हो जाए तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, अच्छे से रहिए, ठीक से रहिए। तो बाय बाय।